तो दोस्तों टुडे हम इस ड्रेस को खुद से स्टिच करने वाले इन डिफरेंट स्टाइल। ये मेरी मम्मी को दहेज में मिलने वाली मशीन, स्वादन से इसका हाथ भी काटती है। ये चीजें हैं, मतलब जो वेस्ट है सारी, इससे ही मुझे करना पड़ेगा। अच्छी खासी ड्रेस है, कहीं उसका कबाड़ मत बना देना। लव यू। गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। सोचे सोचे जाओ पंख जरा फैल। अब क्या करे, छोटे से रूम में जुगाड़ू काम तो करना पड़ेगा। मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। 1 2 3 कैसी लग रही? भाई साहब ने भी बोला ब्यूटीफुल। अगर ये आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको पार्सल कर दूंगी। हाँ अच्छी लग रही है यार। तो इसमें हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय और योर YouTube चैनल आर्टियंस। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा जा रहा है। जैसे कि यू नो दैट आपकी आरू ने 10 डेज का चैलेंज लिया तो उसे वो पूरा करना है, तो वो 29 की रात को ही पूरा कर रही है। अभी बज रहे हैं रात के 9। तो दोस्तों टुडे हम इस ड्रेस को खुद से स्टिच करने वाले हैं डिफरेंट स्टाइल। अब वो हम कैसे करेंगे आपको वो देखने को मिलेगा। रुको जरा, सब्र करो, दादा ना बोल के काम चालू करते हैं। तो आप एक्साइटेड हो? तो ये है ड्रेस, मैं यहाँ साइड पे पूरा डाल दे रहा हूँ। इसको हम कैसे स्टिच करेंगे वो मैंने दिमाग में थोड़ा सोच रखा है। एंड हम यूज करेंगे अपनी मम्मी की मशीन जो कि मम्मी को मिली थी, आपको पता है ना, नानू नानी की तरफ से दहेज में। बूम। सबसे पहले अटेंड मुझे ये इधर करना पड़ेगा। अब क्या करे, छोटे से रूम में जुगाड़ू काम तो करना पड़ता है। ये है मेरा जुगाड़ू हैंडीकैप सिस्टम। हाँ वही होगी, एक बार देख ले यार। ये मेरी मम्मी को दहेज में मिलने वाली मशीन, ये बहुत भारी है। हम यहीं पे करने वाले हैं अपना काम। ये है इसका नीचे का सिस्टम। जैसे आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, वैसी आज ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि जब भी हमारी कोई मशीन वगैरह होती है, कुछ भी एसेसरीज होती है, इवन फोन भी, सबको अपना दोस्त बनाओ। क्योंकि नॉन लिविंग है मुझे पता है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारा साथ देगी। दैट्स इट। और आज के लिए तुम मेरी दोस्त है, तो प्लीज यार मैं अगर काम करूंगा तो मुझे अच्छे दिमाग से सोचना पड़ेगा। पहले मुझे इसका क्या बनाना है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। अच्छी खासी ड्रेस है, कहीं उसका कबाड़ मत बना देना। आर्टिस्ट आपको भरोसा है ना मुझ पे? मुझे खुद पे बहुत ज्यादा है। मुझे भी तो बहुत, मुझे बहुत ज्यादा ही भरोसा है ना। अगर आप पे भी कुछ ऐसी ड्रेसेस पड़ी और आपने पहन ली, आपका मन नहीं है, तो आप उसे भी रिक्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ना इसके कलर के अकॉर्डिंग एक रील धागा लाया हूँ। मुझे ना इसको उसके अंदर डालना पड़ेगा और अंदर की होती है ना, सबसे पहले ये दाढ़ी रील भरनी पड़ेगी मुझे। अब देखो आर्टिस्ट, अगर ये ड्रेस बहुत सुंदर बना और आपको अच्छी लगी तो मैंने एक स्कीम निकाली है। आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स करना, तो मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा जो मेरे को सबसे ज्यादा जो कमेंट्स करेगा, शेयर करेगा और ना उनको मैं खुद डीएम करूंगी और ये ड्रेस पार्सल करवाऊंगी जो मैंने बनाई है। ठीक है, लेट्स सी कैसे बनती है। ओम नमः शिवाय, लेट्स डू दैट। ऑडियंस लेट्स गो, बूम। हेलो ऑडियंस, अभी मेरा ये वाला रील तो कर गया। ये पुराने जमाने की, इसको मतलब इस मशीन को कितने साल हो गए आरटीएन? तो मम्मी की शादी हुई थी, हो गए 30 साल। बताओ कितने हैं फिर? मैंने बोला इस मशीन को 30 साल है, मम्मी मेरी बड़ी है 30 साल वाली, 30 साल ही हो, कितने हैं फिर? ऐसे ऐसे डालते हैं। सबसे टफ काम होता है मशीन के जो ये गड्ढा है ना, इसके अंदर घुसाने देखो। चलो आर्टियंस, अब सबसे पहले ना देखो आर्टियंस, मेरे पास कुछ ये चीज है, मतलब जो वेस्ट है सारी, इससे ही मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और चीजें नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो ये ड्रेस अगर ऐसे फ्रॉक टाइप की है ना, इसको सबसे पहले इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कटिंग करेंगे इसकी हम। आज मुझे सिर्फ इस छोटी कैंची से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की बड़ी वाली मिल नहीं रही है। तो मेरे पास चौक तो थी, जुगाड़ू के चौक। बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और मैंने एकदम अच्छे से सटीक काटा है। हाँ अभी आर्टियंस ये ऊपर का टॉप है इसका, ठीक है,
इसको हम कैसे करेंगे वो अब हम सोचेंगे। टॉप बना दिया है, स्कर्ट को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और ये मैंने बनाए हैं दो बाजू टाइप। ठीक है, अब सीधे काम करना चालू करते हैं। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। सोचे सोचे जाओ, पंख जरा फैलाओ, गिली 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 सब में, ओ मम्मा में डोले, वू, ए, धोखा मत देना, मुझे पता धोखा भी नहीं देगी। इसको हम सबसे पहले उल्टा करेंगे, उल्टा। मुझे डर लग रहा है आर्टियंस, बट हम अच्छा करेंगे। तो आर्टियंस ये वाली ड्रेस बिल्कुल हम पहले जैसी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहली बार मैंने एक स्कर्ट हाथ में जो बाजू निकल रहे थे वैसी बनाई थी। ये हम कुछ डिफरेंट बनाने वाले और क्यूट सी बनाने वाले, जैसे हम क्यूट हैं वैसे, जैसे आप क्यूट हो आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हम रेडी करते हैं। मैं इस पे इलास्टिक की हेल्प से कुछ करने वाला, तो फॉर द बेस्ट आज साथ में करते हैं धमाल तमाल। वैसे सिलाई तो सही दे रही है मशीन, और अच्छी चल रही है, लव यू। और थोड़ी देर में कैसे चैलेंज पूरा करूंगा, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सो आर्यन, जब भी तुम कुछ इलास्टिक वाली चीजें लगा रहे हो ना, मैंने एक बार एक चीज नोटिस की है, मैंने पिछली बार भी की थी, कभी वो स्ट्रेट सिलाई नहीं मारनी चाहिए, हमेशा जिगजैग में मारनी चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली बार ये गलती की थी तो इसलिए मुझे पता है। मैंने कभी सिलाई विलाई का कोर्स नहीं किया, बस मुझे थोड़ा है, मतलब थोड़ा सा ना अच्छा लगता है सब करना, मतलब इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने गलती कर दी यार, इसको दोबारा खोलना पड़ेगा। मैंने ना इलास्टिक खींच दिया, इलास्टिक खींचना नहीं चाहिए, ये खराब हो गया, अभी दोबारा से स्टिच करना पड़ेगा। कोई गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, यही लॉ है लाइफ का। मम्मी मुझे दोबारा से खोलना पड़ा, ये खोलना पड़िया, ये निकल गया। बोल मेरे से, क्यों बोल रही है, आर्टियंस से बोल। आर्टियंस मेरी मम्मी बोल रही है मेरे बच्चे को खूब प्यार देना, वो तो आर्टियंस को देती है। बस कर रहा हूँ, बस मम्मी थोड़ा थोड़ा लेट, बहुत अच्छी मशीन है यार ये। मैंने गलती कर दी थी, इलास्टिक को एक जगह से टाइट से खींच के दोबारा वो कर दिया था, लेकिन ऐसे नहीं करना होता है। एक से इलास्टिक पहले उसको ढीले में करो, फिर लास्ट में खींचो, यही मैं सीख रहा हूँ अभी, खराब ना हो। कूल आर्टियंस, इट्स डन, इट्स डन, उसे टाइट करना है। चलो यार अब टाइम लाइफ में देखो, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। बूम, so audience, and my dress is ready. This is the top, this is the skirt, और ये चीज मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। 1, 2, 3 So audience, ये है मेरा top. अब मैं इसकी आपको skirt पहन के दिखाता हूँ। So audience, this is the top, और ये मैंने बनाई है इसकी skirt, and ये देखो पुंचकू। कैसा लग रहा हूँ, पहले सबसे पहले मैं आपसे रिव्यू लूंगा मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड साथ ही साथ ये ड्रेस अगर आपको बहुत सुंदर लग रहा है तो कमेंट्स डाल दो, आर्टियंस फीमेल्स को भी दे पाऊंगा, क्योंकि ये फीमेल का ही ड्रेस है। अगर ये आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको पार्सल कर दूंगी, है ना। परम्पा नहीं, अंदर नहीं जा सकता, अंदर लाइट कम है ना, मम्मी को यहीं पे बुलाता हूँ। मम्मी जल्दी आ, अच्छी लग रही है यार तू इसमें। मम्मी जल्दी आ, ये मैंने ड्रेस बनाई देख। हसो आंटी हसो। मम्मी बोल रही है ये बता किसे दी, मस्त ऐसे यार, एकदम मस्त, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये मम्मी से मिला ब्यूटीफुल। आप मुझे क्या ले रहे हो कमेंट्स में बता रहा हूँ जरूर।
अब देखो मेरे को भी दिखाता है, ठीक है? जल्दी आ ना। अरे अंदर नहीं रहो प्लीज, वहां लाइट नहीं आ रही। जल्दी आ ना, तब तब तेरा काम नहीं करूंगा मैं कुछ। जल्दी आ। कैसे लग रही? भाई साहब ने भी बोला ये तो डालेंगे, ये रिएक्शन डालेंगे। सो ऑडियंस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। इफ यू लाइक दिल से तो ही लाइक करना, डू व्हाट यू लव। एंड मेरा पहला दिन, पहला मार्च का पहला व्लॉग सक्सेसफुल रहा, चैलेंज सक्सेसफुल रहा, थैंक्स टू यू ऑल। आप मुझे बहुत मोटिवेट करते, बिकॉज ऑफ यू पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू, डू व्हाट यू लव एंड थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ मम्मी की मशीन। चलो मैं इसे पैक कर दूँ, बाकी गुड नाइट। अभी मैं भोजन करने जा रहा हूँ, हमारा वैसे बहुत लेट होता है। आपका भोजन कितने टाइम होता है मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट चैलेंज में मैं क्या करूँ, मुझे मोटिवेट करना, कमेंट्स करना एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैंने कुछ आइडिया नहीं सोचा। सो मेरी ड्रेस इतनी सुंदर बन गई, मुझे डांस करने का मन कर रहा है। नॉक 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 नॉक। तो आर्टियंस, लास्ट में जब भी तुम मशीन को पैक कर रहे हो ना, हमेशा उसके नीचे ये कपड़ा रखो, मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है, और इसका धागा तो निकल ही रखा है। इसको जब इसे और इसको हमेशा सिलाई को ऐसे दबा दो और ये कर दो बंद, ठीक है? पैक अप, बूम।